The Heritage School, complete CBSE pattern English medium school. I want to become a dancer. I want to become a doctor. I want to become a pilot. Here you will get best education with affordable fee structure, qualified and experienced faculty, computer, library and smart classes, special classes, music, dance, art, art and craft work, fully air-conditioned rooms, limited student per classes, GPS-enabled transport faculty. So hurry up. जय श्री राम। मैं दिनेश कुमार आप सभी देशवासियों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। देश और राष्ट्र का ये सबसे बड़ा पर्व रामनवमी, ऐसे क्षण में आज हम देख रहे हैं, ऐसे स्थिति में आज रामनवमी को लोग मना रहे हैं, जबकि पूरा देश वैश्विक रूप से एक बड़े युद्ध पर अपनी पहल कर रहा है। आज मैं आप सबको इस पवित्र पर्व और इस पूरे हिंदुओं के महापर्व पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को ये बताते हुए हमें भी हर्ष है और बाकी ये पूरे देश में सबको मालूम है कि भगवान श्री राम पुरुषों में उत्तम पुरुष कहे जाते थे। बुराइयों पर अच्छाई की जीत करने वाले प्रभु श्री राम का आज जन्म हुआ था। रामनवमी को इसी उपलक्ष्य पर आज पूरे देश में लोग मनाते हैं। आज देखा जाए तो जिस प्रकार से पूरा देश इस युद्ध में कोरोना वायरस के प्रति लोग युद्ध कर रहे हैं, पूरे देश में आज लॉकडाउन का माहौल है, उसके बावजूद भी आज पूरा देश रामनवमी के लिए अपना हर्ष, अपनी आस्था और अपनी श्रद्धा को किसी न किसी तरीके से प्रकट कर रहा है। आज हम उसी संदर्भ में आप सबके समक्ष रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हाजिर हुए। जहाँ पूरे देश में आज कोरोना के प्रति लोग युद्ध में लड़ रहे हैं, लोग लॉकडाउन हैं, और भी कैसे देश के नागरिक हैं जो ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत की चीज़ों को मुहैया करा रहे हैं, कहीं ना कहीं युद्ध में लोग अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं। कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं जो हमारे देश के लिए सकारात्मक संदेश भी देते हैं। आज मैं आप सबके समक्ष एक ऐसे ही व्यक्तित्व से आप सबका परिचय कराना चाहता हूँ। जी हाँ, श्री राम गौशाला अनुसंधान केंद्र और गायत्री परिवार के एक नन्हे बालक के माध्यम से एक बहुत ही संदेशपूर्ण एक गीत प्रस्तुत किया गया है, जिसे सुनने के बाद हमें वो सारी चीज़ों का एहसास हो जाएगा कि हमें किन किन चीज़ों से एहतियात बरतना है कोरोना के विरुद्ध, कोरोना से हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, इन सभी चीज़ों का समावेश उस गीत में है। तो हम इसी शुभकामना के साथ, रामनवमी की शुभकामना के साथ उस गीत को प्रस्तुत करते हैं और हम पूरे अपने देशवासियों से और अपने दर्शकों से निवेदन करेंगे कि इस गीत को सुनने के बाद अपने कॉमेंट्स, अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।